प्रेस को धन्यवाद, आप आए, आपने हमारी बैठक की अहमियत और महत्व को समझ कर आपने उचित लिया। धन्यवाद। बिना किसी मुद्दे के बैठक हुई है, अपनों से अपनों की बात हुई है। बैठक में उन लोगों से मुलाकात हुई जिनके साथ कहीं विश्वविद्यालय में पढ़े हुए थे, कहीं सामाजिक तौर पर आपस में मिले हुए थे, इसलिए मन की इच्छा थी, आपस में हमने अपनी बात कही। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं था। गौरव यात्रा शिव में भी जाएगी। अभी 177 विधानसभाओं में गौरव यात्रा जारी है, जहाँ नहीं जा रही है वहाँ हेलीकॉप्टर से उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा। सर, राजपूत खफा बता रहे हैं इस बारे में, आप देख रहे हैं राजपूत चारों तरफ खड़े हैं, राजपूत के दो विधायक खड़े हैं, समाज के अगवा खड़े हैं। आपको कहाँ किसी के चेहरे पर खफा होने का आ रहा है नजर? सर, स्वाभिमान रैली को लेकर क्या कमेंट्स है आपका? स्वाभिमान रैली के बारे में मेरी निजी जानकारियाँ नहीं। मानवेन्द्र सिंह जी अभी भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सदस्य हैं। मैं समझता हूं कि पार्टी के अनुशासन में रहकर वो काम करेंगे, इसलिए मैं जब तक मुझे आधिकारिक तौर पर यह मालूम नहीं हो जाएगा कि कोई रैली हो रही है तब तक मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। कैंसिल करना व्यक्तिगत तौर पर किसी के विरोध पर कोई टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ यह मुख्यमंत्री जी एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री जी के किसी यात्रा का, किसी कार्यक्रम का ना विरोध किया है ना कर सकता है। मेरा सवाल ये, 17वां सम्मेलन अगर कैंसिल किया जाए, मतलब राजपूत समाज का नारा सम्मेलन जो भी प्रस्तावित सम्मेलन था वो सम्मेलन हुआ, महिला सम्मेलन हुआ, खूबी से हुआ और बड़ा अच्छा सम्मेलन हुआ, वही सम्मेलन प्रस्तावित था। भारतीय जनता पार्टी का मंडल स्तर का कार्यकर्ता अति सक्रिय है। मेवाड़ के बाद मारवाड़ में जिस प्रकार का जन समर्थन मिल रहा है, मैं समझता हूं कि इस मारवाड़ क्षेत्र के अंदर भी ये गौरव यात्रा जन यात्रा है। सर, 5 सितंबर को रैली है कांग्रेस की 55। अभी 5 सितंबर को नहीं, कल ही चूरू के अंदर संभाग स्तरीय रैली हुई। एक मुख्यमंत्री जी की एक विधानसभा में जितने लोग आते हैं उससे भी कम लोग पूरे संभाग के और एक पड़ोसी सीकर जिले के 29 विधानसभा क्षेत्र में भी के लोगों को लाकर भी नहीं जुटा पाए। इसलिए कांग्रेस की रैली के साथ कोई जनमत नहीं।